हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज। आज हम इस वीडियो को डिस्कस करेंगे APIECET, ठीक है, APIECET 2021। इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जी उसका सिलेबस है अवेलेबल हो चुकी 2021 के लिए, ठीक है, तो अवेलेबल हो चुकी है। तो आपको किस तरीके से कौन सी वेबसाइट से चेक करना है, कौन सा सही तरीका है, सब कुछ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगी ऑफिशियली वेबसाइट से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको APIECET के रिलेटेड सारे अपडेट मिल जाते हैं, सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो आपको क्या करना होगा, जो मैंने बताया उस तरीके से करना होगा। फिर क्या करना होगा, सर्च करने का फर्स्ट मेथड है कि आपको सबसे पहले किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन कर लेना है। वहाँ पर आपको टाइप करना है APIECET 2021 IAS पर। IAS पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको APIECET के रिलेटेड सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, आपको सबसे पहले किसी भी ब्राउजर से यहाँ पर सर्च कर लेंगे आप। यहाँ पर सर्च करने के बाद आप फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करनी, जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो पाएंगे, न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर इसका देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है आउट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे आनी होती है, नीचे आनी होती है, लास्ट जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो लास्ट फोर्थ जो है यहाँ पर आपको सिलेबस पर क्लिक करनी है। फिर जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस अवेलेबल हो चुकी है। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पेज का लिंक दे रखा है जहाँ पर आप सिलेबस सर्च करके यहाँ तक आए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके वहाँ से सिलेबस पे क्लिक कीजिए, इस पेज पे आप डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करने होगा, सिंपल इस पेज पे आपको क्या करनी होगी, यहाँ पर अवेलेबल सेक्शन वाइज और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आपको अवेलेबल क्लियर। तो क्या करना होगा, सबसे पहले इस फॉर्म को फिल कर दीजिए जो सामने आपके फॉर्म में। यहाँ पर अपना नाम क्या, अपना नाम लिखिए, यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर के पहले यहाँ पर जो आपका ईमेल आई डी टाइप कीजिए, दीजिए। फिर आपका ईमेल आईडी टाइप करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपकी कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करना होगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, आपका स्टेट कौन सा हुआ है, स्टेट यहाँ पे बता देनी है, ठीक है। और कौन सा सिटी है, सिटी बता देनी है। कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है वो भी बता देनी है। कौन सी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो भी बता देनी है, ठीक है। काफ़ी ईजी, तो इस तरीके से आपको सिंपल सा जो है ईजी है कुछ उसको सेलेक्ट करने, फिल करने, एक सिंपल सा नोटिफिकेशन पाने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है गेट फ्री काउंसलिंग पे। उससे क्या हुआ कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे आपके ईमेल आईडी पे और कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। तो यहाँ पर आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देना, तो आपको फ्री फ्री जो काउंसलिंग उसका मिलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप सेक्शन वाइज एनालिटिक ऑफ एबिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाटा सफिशियंसी, टेबल ऑफ ग्राफ्स, डेट एंड टाइमिंग मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, तो ये आप बताएगा सेक्शन में कि ये सब सारी चीज़ें आपको आने वाले हैं। फिर आप सेक्शन बी में मैथमेटिकल्स जो है, मैथ्स में इतने सारे जो आपके, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स, सारे जो है टॉपिक्स आपको आएंगे, तो सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ लेना है। फिर सेक्शन ए जो है एनालिटिक ऑफ एबिलिटी जो है, इसमें देख सकते हैं ये सारे, ठीक है। फिर मैथ्स का सेक्शन बी जो है वो देख सकते हैं, मैथ्स का एबिलिटी ऑफ सेक्शन बी, तो इसी तरीके से सब कुछ यहाँ पर बताया गया। फिर सेक्शन सी जो है कम्युनिकेशंस होता है, वो वोकैबुलरी, फंक्शन, ग्रामर फॉर डे टू डे कम्युनिकेशन, ओके, रीडिंग कंपेरिजन, बिजनेस एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो सब कुछ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी सॉरी, तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे इसी तरीके से बताया गया। काफ़ी इजी, इसी तरीके से चेक करनी है ये सारे जो आपको, इतने सारे जो आपके टॉपिक्स दिए गए आपको सारे जो है पढ़ने हैं, सब कुछ यही सब आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हुआ तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, ये वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।